जिससे अल्लाह अपनी रजा पर चलने वालों को सलामती के रास्ते दिखाता है और अपने हुक्म से उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता और उनको सीधे रास्ते पर चलाता है। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है वही मसीह इब्ने मरियम है, वो बेशक काफिर हैं। उनसे कह दो कि अगर अल्लाह ईसा इब्ने मरियम को और उनकी वालिदा को और जितने लोग जमीन में हैं सबको हलाक करना चाहे तो उसके आगे किसकी पेश चल सकती है, और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है। वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह हर चीज पर पूरा कादिर है। और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। कहो कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों के सबब तुम्हें अजाब क्यों देता है? नहीं बल्कि तुम उसकी मखलूकात में दूसरों की तरह के इंसान हो, वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब दे, और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है, और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। ए अहले किताब, पैगंबरों के आने का सिलसिला जो एक अरसे तक मुनकते रहा, तो अब तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आ गए हैं जो तुमसे हमारे अहकाम बयान करते हैं, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी या डर सुनाने वाला नहीं आया। सो अब तुम्हारे पास खुशखबरी और डर सुनाने वाले आ गए हैं, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों तुम पर अल्लाह ने जो एहसान किए हैं उनको याद करो कि उसने तुम में पैगंबर पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ इनायत किया कि अहले आलम में से किसी को नहीं दिया,